हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके लंच की रेसिपी, उसमें लाई हूँ प्याज का रायता और करेले की भरवा सब्जियाँ। मैंने दही को भिगो लिया है, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, पुदीना पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल दिया है और इनको अच्छे से मिला दिया है और ये प्याज का रायता तैयार हो गया है। करेले के आगे पीछे के नाकों को काट के बीच के इस तरह से मुद्दा निकाल लेंगे। 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 3 प्याज लिए, इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, जो इसके बीज थे वो भी हमने इसमें डाल दिए। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को बिल्कुल हल्का सा गर्म किया और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर करेले को हम फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़े से पक जाए। अब हींग जीरे का तड़का लगाया, जो प्याज की हमने ग्रेवी बनाई थी वो उसे डाल के पकाएंगे और पकने के बाद थोड़ा सा उसके उसमें हल्दी, नमक और मिर्च और धनिया पाउडर डालेंगे। सब टेस्ट के अकॉर्डिंग है, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे मसाला क्योंकि भरवा है तो मसाले और भी जाएंगे इसमें, जैसे बेसन भी जाएगा, करीब 2 चम्मच इसमें बेसन जाएगा। करीब आधी कटोरी मैंने जो मूंगफली सेक रखी थी उनको ग्राइंड कर लिया है वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। और मैंने करीब 1 चम्मच सौंफ डाली है और करीब 2 चम्मच बड़े वाले नारियल का बूरा डाला है। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, जीराना पाउडर, अमचूर पाउडर। जीराना पाउडर ना हो तो आप अमचूर पाउडर ही डाल सकते हैं। फिर इन करेले को भर लेंगे। यहाँ मैंने तड़का लगाया हींग जीरा और सौंफ का और इन करेले को हम डाल के इनको पका लेंगे और इनको अच्छे से मिलाना है, धीमी आँच पर रखना है। धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएंगे। बीच बीच में हम इसे मिलाते भी रहेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गर्मा गर्मा रोटी के साथ और रायते के साथ इस सब्जी को परोसिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।